नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हमने जो वीडियो देखा उसमें सेक्शन टू के वन टू लाइन आंसर गद्य विभाग के हमने किए, और जो नीचे है अरेंज द सेंटेंसेस वो आपको स्टोरी के हिसाब से अपने आप करना होगा डायरेक्टली। आज हम सेक्शन सी करेंगे, पोयम पार्ट, गद्य विभाग, जिसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन 3A है, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आज हम सारी कविताओं के 4-5 वाक्य में उत्तर करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट पोयम, तेरी है जमी, इसके हम 4-5 वाक्य में उत्तर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? इसका आंसर होगा, मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। क्यों, क्या है? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या चाहते है? तो इसका आंसर होगा, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं उसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। थर्ड क्वेश्चन है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। वापस से ये क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि ईश्वर की इच्छा से ही हमें ये शरीर और सॉरी ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। ये जो मैंने जो लास्ट में बोला वो आपको नेक्स्ट पेज में आएगा। थर्ड क्वेश्चन की दो लाइनें ऊपर है कि क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। फोर्थ नंबर है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? इसका आंसर होगा, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, या तो सर्वशक्तिमान मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। फिफ्थ है क्वेश्चन, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुका कर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। रिपीट करती हूँ, सॉरी, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को यानी कि मुश्किलियों को दूर करता रहे।
अब हम पोयम फॉर उठो दरा के अमर सपूतों इसके चार पांच वाक्य में उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि कहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया जोश भरे, युग युग से मुरझे फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलवाणी से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करें, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनवाए। इस प्रकार कवि धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। वापस से मैं रिपीट करूंगी, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि कहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया जोश भरें, युग युग से मुरझे फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलवाणी से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करें, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनवाए। इस प्रकार कवि धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। सेकंड चैप्टर है कवि नई मुस्कान, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों की गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी आकर हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते हैं। अन्याय और तरह तरह का शोषण कर सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खोकर उदासीन बन गए हैं। कवि की इच्छा है कि ऐसे लोगों के जीवन में नया संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के मुरझे सुमन में मुस्कान देखना चाहते हैं। रिपीट करती हूँ ये आंसर, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों की गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी आकर हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते हैं। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खोकर उदासीन बन गए हैं। कवि की इच्छा है कि ऐसे लोगों के जीवन में नया संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के मुरझे सुमन में मुस्कान देखना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो इसका आंसर होगा, कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। क्या होगा? कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है और स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। स्टूडेंट, ये थर्ड का आंसर इस पेज में हाफ है और नेक्स्ट पेज में भी हाफ है, इसलिए आपको ऐसे आधा आधा दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज में से भी आप पढ़ना। पहुंचाना मतलब इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना, सारे देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है, तुम्हें देश के लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। क्या होगा कि कवि क्या कहते हैं कि आगे हमने रिपीट किया कि कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुँचाना है, सारे देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है, तुम्हें देश के लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के अमर सपूतों को संदेश दिया है कि देश के नवयुग में, देश को नवयुग में यानी कि नए युग में ले जाए। हाँ, तो ये था क्वेश्चन थ्री का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आंसर होगा, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य,
पुरातत्व, संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। लोगों को पानी का उपयोग समझाकर उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे, ऐसा समझाएंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचाने द्वारा देखकर सरकार को जानकारी देंगे। अभ्यारण्यों में पशुओं का शिकार देखकर हम उसके संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। वापस से रिपीट करती हूँ थोड़ा। ये रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। लोगों को पानी का उपयोग समझाकर उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचाते देखकर सरकार को जानकारी देंगे। अभ्यारण्यों में पशुओं का शिकार देखकर हम उससे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। मतलब ये जो सब है वो हमारी पब्लिक, मतलब हमारे देश की प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हाँ, और उसके बारे में अगर कुछ नुकसान होता है, ऐसा होता है, तो हमें आगे बात फॉरवर्ड करनी चाहिए ताकि ऐसी संपत्तियों को नुकसान न हो और भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पोयम है 8, माँ कह दो एक कहानी। उसके हम 4-5 वाक्य में उत्तर करेंगे। फर्स्ट जो है, उपवन की शोभा कैसी थी? इसका आंसर होगा, उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल खिलते थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न होती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पंछी कलकल स्वर में गा रहे थे। ये उपवन की शोभा थी। रिपीट करती हूँ कि उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल खिलते थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न होती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पंछी कलकल स्वर में गा रहे थे। तो यही उपवन की शोभा थी। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो इसका आंसर होगा, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमानी था। माँ से हंस की कहानी सुनी और उसके मन में घायल हंस के प्रति करुणा और दया का भाव उत्पन्न हुआ। उसने भी अपनी बाल बुद्धि से सोचा कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हंस पर अधिकार बचाने वाले सिद्धार्थ का ही होगा, ऐसा निर्णय उसने सुनाया। वापस से हम रिपीट करेंगे कि पुत्र छोटा था पर बुद्धिमानी था। माँ से हंस की कहानी सुनी और उसके मन में घायल हंस के प्रति करुणा और दया का भाव उत्पन्न हुआ। उसने भी अपनी बाल बुद्धि से सोचा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हंस पर अधिकार बचाने वाले सिद्धार्थ का ही होगा, ऐसा निर्णय उसने सुनाया। किसने? तो राहुल ने। अपनी माँ की कहानी सुनकर उसने भी निर्णय सुना दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए उस हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन 3A पोयम के पद्य विभाग, सेक्शन सी क्वेश्चन 3A पद्य विभाग, उसके 4-5 वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वन लाइन आंसर और थोड़ा ग्रामर सेक्शन भी कर लेंगे। तो वापस से एक बार बता देती हूँ कि पूरा रिवीजन हमारे स्कूल का नियम है, उस हिसाब से जैसे आप स्कूल में बुक में लिखते थे वैसे अभी भी आपको पूरा रिवीजन बुक में अच्छे से लिखना है। तो फिर अभी ये वीडियो यहाँ पे हम पूर्ण करेंगे।
अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।